तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है, पिक्चर पे पोजीशन क्या है, नो पिक्चर, ठीक है, बैकलाइट ऑन है, ठीक है, मेरी बैकलाइट ऑन है, यहाँ पर पिक्चर नहीं आ रहा है कुछ भी। सो अब इस तरह के सिम्टम को चेक करने के लिए आपको पहले तो सिग्नल के दो सिग्नल्स चेक करने हैं यहाँ पर, ठीक है, और साथ में पैनल के वोल्टेजेस, इनपुट वोल्टेज। तो हम पहले सिग्नल चेक करेंगे ऑसिलोस्कोप की मदद से। अभी आपने देख लिया पिक्चर नहीं है, मैं बैकलाइट बंद कर देता हूँ आपको ताकि मैं बता पाऊँ। तो मैं ऑसिलोस्कोप का ही यूज़ करूँगा इसके लिए भी, और इसे मैं पास में ले लेता हूँ ताकि मेरे को ग्राउंड यहाँ से मिल जाए, ठीक है, बोर्ड को। अभी यहाँ पर ऑसिलोस्कोप की जो मेरी रेंज रहेगी 100 मिली वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी जो है मिली सेकेंड तक, 2 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड तक रख सकते हैं आप, ठीक है। और मैं ये जो फोर्स है ट्रिगर लेवल उसको ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट्स हैं, सारे टेस्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं ताकि मेज़रमेंट कर पाओ आप। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है, 12 नंबर से सिग्नल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्लॉक है, और ये 3 है। तो इसमें से 2 और क्लॉक जो है ये नो पिक्चर से रिलेटेड है। तो ये हो गई आपकी RX2 की सिग्नल्स। अब मैं इसको मिली सेकेंड पर ले जाऊँगा, ये 100 नैनो सेकेंड है अभी, ठीक है, 2 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड पे हमारा ये माइनस है, ये देखो डाउनवर्ड्स है, माइनस हो गया, और जो प्लस है, 2 माइनस और प्लस सही है। अब क्लॉक चेक करने के लिए नैनो सेकेंड पे जाना होगा, 50 नैनो सेकेंड, ठीक है। और क्लॉक फ्रीक्वेंसी अब मैं चेक कर रहा हूँ, तो अब देख सकते हैं क्लॉक फ्रीक्वेंसी है सही। अब मैं मेज़र कर लेता हूँ इसकी वैल्यू, तो आप देखेंगे कि 75 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बन रहा है। सो ये मेरा क्लियर हो गया 75 मेगाहर्ट्ज़, ओके। तो मैंने ये तो चेक कर लिया नो पिक्चर के लिए, यहाँ पर नहीं है। अब मैं सप्लाई चेक करूँगा और पैनल वोल्टेजेस। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट वोल्टेज होगा जो कि आपको देखना होगा, वो है 11.8 वोल्ट फ्यूज़ की दोनों तरफ, ठीक है, फ्यूज़ की एक तरफ आ रहा है और दूसरी तरफ नहीं आ रहा, तो फ्यूज़ ओपन है। फिर आगे बढ़ेंगे आप, इसमें इम्पॉर्टेंट वोल्टेज होता है AVDD, जो कि आप इस टेस्ट पॉइंट पे मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर VLS नाम का टेस्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो AVDD का है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वोल्टेज नहीं आ रहा है। सो अब मैं दूसरा वोल्टेज चेक करता हूँ, 3.3 वोल्ट, क्या वो बन रहे हैं, 3.3 भी नहीं बन रहे, सिर्फ बन रहे हैं तो 11.8 वोल्ट। अब हम TV बंद कर देते हैं और इसको फिजिकली चेक करते हैं कि इसमें एग्जैक्टली फॉल्ट क्या है जिसकी वजह से सभी वोल्टेजेस बंद हैं। कोई कोई सर्किट में ऐसा होगा कि 3.3 बनेंगे, कोई भी आउटपुट की शॉर्टिंग होती है 3.3 को छोड़कर, तो यहाँ पर 3.3 बनेंगे लेकिन बाकी के वोल्टेज नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर 3.3 भी बंद हो जाएगा जो कि इस कॉइल से आपको निकलता है। ये 12 वोल्ट की इनपुट कॉइल है और इनपुट कॉइल डायोड के थ्रू AVDD दिया हुआ है। जब भी आप कोल्ड टेस्ट में कंटिन्यूटी मेज़र कर रहे हो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डायोड है इसकी पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, इस पॉइंट के साथ, VLS पॉइंट के साथ, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये कॉइल के साथ कनेक्टेड है, जो कि इस कॉइल से IC में भी जाता है डायरेक्टली 12 वोल्ट, जिसके वजह से पहले 3.3 बनते हैं और बूस्ट अप के लिए कॉइल लगी हुई है, इसके थ्रू डायोड के थ्रू आउटपुट AVDD सप्लाई बनती है। तो सबसे पहला 3.3 के बाद शॉर्टिंग पहले 3.3 पे देखेंगे हम कि ग्राउंड के बीच में, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है और यहाँ शॉर्टिंग बता रहा है 14 ओम्स की, ठीक है। तो ये 14 ओम्स आपको याद रखना है। अगर जो आपको याद पता है कि रास्ता कौन सा है, तो वो हर एक रास्ते पे आप PF चेक करोगे, जब भी जो भी PF, देखो अभी इस पे कंटिन्यूटी बता रहा है लेकिन कितनी बता रहा है, 1.1, तो ये ग्राउंड हुआ, ठीक है। इस साइड देखना है फिर आपको,
जब भी आप शॉर्टिंग देखते हो तो पीएफ पे देख रहे हो तो एक साइड में कांस्टेंट कंटिन्यूटी देगा, जैसे कि ये वाला पॉइंट जो है देखो ये 1.6, लेकिन मुझे कितने की शॉर्टिंग देखनी है, 14 ओम्स की। तो मुझे पीएफ कैसे मिलेगा, इस तरह से ढूंढते ढूंढते यहाँ पे मैं चेक करूँगा। अब ये एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट है इसका, पीएफ का, ठीक है। तो मैं ऐसे ढूंढते ढूंढते जब पहुँचता हूँ तो मुझे ये वाला पीएफ मिलता है। एक साइड में देखो ये 14 ओम्स बता रहा है और ये ग्राउंड बता रहा है, तो एक पीएफ तो मुझे यहाँ मिल गया। तो पहले मैं इसे डिस्कनेक्ट कर दूँगा। देखो आप, मैंने पहले से हीट नहीं दिए, ठीक है। सो मैं पहले ये वाला कंपोनेंट निकालता हूँ और शॉर्टिंग चेक करूँगा। ठीक है, ये अब मैंने निकाल लिया, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। आपको खोना नहीं है पीएफ, निकाल के फिर लगाना भी है, जब तक आपको पता ना चले कि आपका एग्जैक्ट जो डिफ़ॉल्टी कंपोनेंट मिल नहीं गया तब तक। सो अभी आपको चेक करना है यहाँ पर कंटिन्यूटी में ही, आप ग्राउंड से चेक कर रहे हो वीएलएस पॉइंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टिंग हो गई ठीक, ठीक है, जो कि पीएफ पे शॉर्टिंग बता रहा था, ये अब ठीक हो गया। अब मैं डायोड चेक करता हूँ तो इसकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए, 0.5, ठीक है, 0.5 वोल्ट। ये नेगेटिव मेरा प्रोब इधर है और पॉजिटिव यहाँ पर, तो 0.4-0.5 की रीडिंग ओके है, ठीक है। वैसी ही रीडिंग यहाँ पर भी आनी चाहिए, 0.3 इनपुट 12 वोल्ट, वो भी AVDD जितना ही वोल्टेज बताएगा डायोड टेस्ट में। अब उल्टे में ये इतना करीब ठीक है, ओके। और यहाँ भी आप जब चेक करते हो उल्टे में ये दिखाएगा, और यहाँ पर ठीक है, ठीक है। मैं कोई भी बड़े हिस्से पे चिपकाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ट्रैक उखड़ने का चांस नहीं है, पतले पॉइंट पे चिपकाओगे तो ट्रैक आप उखड़ सकती है। ठीक है, अब मैं इसकी पीएफ की वैल्यू चेक कर लेता हूँ। पहले 11.7 माइक्रोफेरेड, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो आपको इसका जो ओरिजिनल है वैल्यू 10 एमएफडी होता है। सो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा 5 टाइम प्रोटेक्शन सोनी में, उसमें भी यही फॉल्ट था, ठीक है। तो अभी ये पीएफ को मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ यूजिंग SMD गन। आप ऊपर से ले लो, और फिर बाद में ब्रश करो, या इतना समय में हो जाएगा सही, ठीक है। आपने थिनर लगाया तो, वरना कभी कभी ऐसा होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रखते हैं हम, वो गीला रहता है, आपके कोई भी कंपोनेंट आप निकल सकते हैं बाहर। सो यहाँ पर हमने अभी फॉल्टी पीएफ को निकाल दिया। पावर कॉर्ड लगा दो, ऑन कर दो, ठीक है। हमने पीएफ लगा दिया, ऑन किया टीवी को, सोनी का ब्रेविया का लोगो, और ये टीवी चालू हो चुका। और ये पैनल का फॉल्ट नहीं है, हमने इतनी एरिया की लाइट को, यही काम क्रिस्टल करता है,
अंदर लाइट नहीं देने का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टल लीक हो गया है पैनल टूटने की वजह से। अब हम वोल्टेज देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो VLS टेस्ट पॉइंट पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, 15.6 वोल्ट AVDD, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हैं VLS टेस्ट पॉइंट आपको दिखता है तो दैट इज़ 15 वोल्ट, और 3.3 वोल्ट सबसे कम वोल्टेज जो कि नहीं आ रहे थे अब आने लगे, और VGH वोल्टेज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेस्ट पॉइंट पे 35 वोल्ट आ रहे हैं, और VGL -6 वोल्ट, ओके। सो ये सभी टेस्ट पॉइंट्स हैं, इनके भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। जैसे VGH का फॉल्ट हुआ तो क्या होगा, स्लो हो जाएगी पैनल, मतलब यहाँ पर मेरा ये नो सिग्नल जो है यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, और यहाँ हल्का दिखेगा, और वो धीमे 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 छूटता हुआ आएगा, ट्रेलिंग इमेज बनाता हुआ मेन इमेज के साथ। सो ये स्लो मोशन हो गया। VGL का फॉल्ट हमेशा खड़ी लाइनों में आएगा, वर्टिकल लाइंस। यहाँ पर ये पूरी स्क्रीन पे लाइन होगी, आपको दिखेगा कि ये कुछ काम हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में, जैसे कि आपको CRT टीवी में एच लाइन में आपको अंदर दिखता था कि क्या हो रहा है। वी लाइन में नहीं दिखता था, बिकॉज वी लाइन में ESD कम बनती है, तो वी लाइन में आपको पिक्चर नहीं दिखती थी, लेकिन एच लाइन में पिक्चर का हल्का एहसास होता था कि कुछ ना कुछ चल रहा है उसके पीछे, वैसा ही इसमें भी है VGL में, ठीक है। और AVDD नो पिक्चर, जैसे कि आपने अभी देखा, और 3.3 वोल्ट भी अगर जो ना आए तो भी नो पिक्चर का फॉल्ट देखने मिलेगा। सो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से मैंने रिपेयरिंग किया, और आपको बहुत आसानी से बता दिया कि किस तरह से रिपेयरिंग होता है स्टेप बाय स्टेप तरीके से सारे वोल्टेज मेजरमेंट करते हुए। पिछले वीडियो में आपने देखा कि स्टैंड बाई सर्किट कैसे काम करती है, और ये वाले वीडियो में आपने देखा कि पिक्चर नहीं आने के वजह से आप क्या क्या चेक करेंगे। अगर जो ये सारे पैनल वोल्टेज ओके होते और सिग्नल भी ओके होता तो आपको फ्लैश डेटा यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती, अगर जो यहाँ पर हमारा सभी चीज़ ओके मिलता तो, ठीक है। उसके बाद आप फ्लैश पे आएंगे, पहले से फ्लैश नहीं बदलेंगे। सो मेरी ट्रेनिंग लेने वाले लोग हमेशा कंपोनेंट बदल के चेक नहीं करते, कंपोनेंट ख़राब हो तभी उठा के उसको दूसरा डालते हैं, ठीक है। सो आपने देखा होगा सोल्डरिंग वर्क मेरा एक ही पॉइंट पे था, सभी नहीं, सभी चीज़ मैंने निकाल कर चेक नहीं की, एक ही चीज़ निकाल कर रिपेयर की है। कितनी आसानी से मैंने रिपेयरिंग वर्क किया, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से मैंने सारे जो स्टैंड बाई सर्किट आपको समझाई थी ऑन होने से पहले, ऑन होने के बाद के कुछ फॉल्ट्स मैंने इस वीडियो में आपको बताए, जिसमें ये नो पिक्चर था हमने ठीक किया, और स्टेप बाई स्टेप तरीके से कंपोनेंट खाली सोल्डरिंग वर्क हुआ तो एक ही साइड में हुआ, सभी जगह पर नहीं। यही है मेरी ट्रेनिंग का फ़ायदा, आप कंपोनेंट लेवल पे रिपेयरिंग कर सकते हैं, और वो भी सटीक तरीके से, सटीक निशाने पर, पॉइंट पर। आपके लिए पूरा सर्किट एरिया फॉल्टी नहीं है, एक एरिया फॉल्टी है जो कि आप रिप्लेस करेंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनसे मैं कहूँगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।